हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी क्लासेस डाउट्स। और आपका सवाल है, संचार के कौन कौन से माध्यम है। संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे से कनेक्ट होना, एक दूसरे से संपर्क साधना। और संपर्क साधने के लिए हम लोग अलग अलग माध्यम यानी अलग अलग मीडियन का प्रयोग करते हैं। तो वह कौन कौन से है? संचार माध्यम के अलग अलग प्रकार में से कुछ इस प्रकार से हैं। हम लोग संचार के लिए टीवी का प्रयोग करते हैं, संचार के लिए रेडियो का प्रयोग करते हैं या इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, अथवा खबर या अखबार का प्रयोग करते हैं। और ये सभी संचार के माध्यम कहलाते हैं, यानी ये वो साधन है जिसकी मदद से आप बड़े ही आसानी से दुनिया के बैठे, दुनिया में दूर दूर तक बैठे किसी भी व्यक्ति से अपना संपर्क साध सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। और इन सभी का प्रयोग हम लोग टीवी के माध्यम से करते हैं। जैसे दूर दराज में कहीं भी दूसरे देश में अगर क्रिकेट या फुटबॉल का मैच हो रहा है तो आप उसे टीवी के माध्यम से देख सकते हैं या रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, या आजकल इंटरनेट के माध्यम से भी आप उसे देख सकते हैं या सुन सकते हैं। और खबर में जो भी आप समझते हैं, अखबार के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संचार के ये माध्यम कहलाते हैं। वैसे संचार के माध्यम को हम लोग प्रिंट मीडिया, इंटरनेट मीडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये था आपके सवाल और आपके सवाल का जवाब। ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट्स को।